हेलो दोस्त, मैं हूं आदर्श विजय बिंद, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सफाई इटावा। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। इसके अलावा हम बात करेंगे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU के बारे में बात करेंगे। इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस बार जो BSc नर्सिंग आप जो फॉर्म फिल करना चाहते, दोनों का डेट सेम है। बस इसके अलावा एक नोटिस जारी हुआ है, उस नोटिस की बात हम करेंगे आगे वीडियो में और आपको बताएंगे क्या रीज़न है, क्या हो सकता है, क्या दोनों इंस्टीट्यूट एक साथ एग्ज़ाम कराएंगे या दोनों एक में मर्ज हुए हैं। सारी जानकारी आपको देंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है इस पर, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो आप लोग जरूर से ज़रूर लास्ट तक वीडियो को देखना और शेयर कर देना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर देना और शेयर कर देना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जैसा कि पिछली बार कई कॉलेजेस जो इसमें ऐड थे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, बट इस बार क्या हुआ कि ये जो अटल बिहारी वाजपेयी यानी कि AVMU के थ्रू नहीं होगा आपका एडमिशन, अब आपका एडमिशन होगा KGMU के थ्रू। जी हाँ बिल्कुल, KGMU के थ्रू आपका एडमिशन होने वाला है इस बार, यानी कि 2022 और 23 का सत्र जो है KGMU के थ्रू होने वाला है। इस बार जो है चेंज हो गया है, अगर आप फॉर्म फिल कर चुके हैं KGMU का तो आपको AVMU का फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसी के थ्रू आपको एक ही इंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, आपको बस काउंसलिंग करानी पड़ेगी। जब काउंसलिंग कराएंगे तो साथ में एक ही लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, AVMU और KGMU का, दोनों का अलग अलग लिंक नहीं होगा। बट अभी क्या है, AVMU का KGMU का जो है अपडेट पहले ही आ चुका था, तो अटल बिहारी वाजपेयी का भी अपडेट शो हो रहा है, बट हो सकता है मे भी चांसेस हो बढ़े। बट इस बार आप जाएंगे अटल बिहारी, जैसे कि हम अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर हैं, यहाँ आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, यहाँ आपको देखिए यहाँ पर लिख कर एप्लीकेशन पर BSc नर्सिंग एंट्रेंस, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिलेगा एक नोटिस करके, यहाँ देखिए ऊपर आ रहा है ये नोटिस जो आ रहा है ये, तो यहाँ रिगार्डिंग द BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2022 फॉर KGMU एंड अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो न्यू करके आ रहा है, यानी कि दोनों कंबाइंड यानी कि मर्ज हो गए हैं एक में। आपको सेम डेट यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखिए एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल 19/5/2022 से 15, यानी कि दोनों के फॉर्म सेम डेट पर हैं। यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर नाउ क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं ये सारे अपडेट आपको लगने हैं यहाँ जो है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ डाउनलोड, यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट डाउनलोड्स हैं, आप यहाँ पर जो ब्रांकेट डाउनलोड करेंगे तो आपको KGMU का ब्रांकेट यहाँ पर आएगा, यानी KGMU का जो प्रॉस्पेक्टस है वो आपको यहाँ पे डाउनलोड होगा, ना कि अटल बिहारी वाजपेयी का। तो अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से कोई भी अभी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, नोटिस नहीं आया है, सेम लिंक है, कोई भी परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप KGMU का फॉर्म फिल किए हैं तो आपको AVMU का फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप फालतू में पैसा मत स्पेंड करिए, क्योंकि एक बार कर देंगे दोबारा पैसा आपका रिफंड नहीं होना है, ये बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब KGMU जो है अपडेट कब करता है, अपना जो भी है कन्फर्म चीज़ें कब करती है, वो आपको जैसे अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। बट आपको क्लियर कर दूं, अगर आप इस बार ऑनलाइन जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे, तो अगर ऑनलाइन होगा तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है आप ज़रूर से ज़रूर नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कास्ट सर्टिफिकेट से बहुत सारे बच्चे जो हैं OBC के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फाइट करते हैं जनरल में, तो ये बहुत मायने रखता है, कास्ट सर्टिफिकेट आप ज़रूर बनवा लें, ठीक है। SC स्टूडेंट है तो भी कास्ट सर्टिफिकेट जरूर जरूर बनवा ले, 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। बाकी जो भी था सेम था, प्रोसेस सब सेम ही है आपका। देखिए KGMU का जो था वो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होना था उनका इंग्लिश मीडियम में होना था, बट अब जो AVMU का है हो सकता है चेंज होगा प्रॉस्पेक्टस में, थोड़ा बहुत तो चेंजिंग तो होना ही है, बट वो जैसे ही चेंजिंग होगा मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा। यहाँ पे आपको देख किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यहाँ पे भी शो हो रहा है, तो जैसे भी जो भी चेंजिंग होगा मैं आपको दिखा दूंगा। इस बार AVMU की जो भी कॉलेज जो AVMU में इंक्लूड थे वो अब KGMU में इंक्लूड हो गए हैं, तो आपको परेशान होना नहीं है, आपको केवल UP में एक ही ये लास्ट मौका है आपके लिए BSc नर्सिंग करने का, ठीक है। अगर आप ये फॉर्म नहीं फिल करेंगे तो आपको BSc नर्सिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो है हमारा UPUMS का जो है वो एग्ज़ाम होगा सितंबर में, जब भी आएगा उसका अपडेट मैं आपको दे दूँगा। तो अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में भी। हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल वहाँ पे हमें ज्वाइन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम चैनल पर, वहाँ हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे हमें फॉलो कीजिए, अपना क्वेश्चन दीजिए, मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल वहाँ पे मैं अपडेट देता रहता हूँ, तो वो भी वहाँ पे ज्वाइन कर लो।
तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। थैंक यू सो मच।